पल्लवी पल्लवी प्लीज रिलैक्स, रात को यहीं जाने दो, आगे मत बढ़ा। जाने दूंगी आकाश, बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दे कि इन्हें मेरी जरूरत नहीं। क्योंकि मुझे शांति चाहिए, शांति। तू यहां रहेगी ना, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तूने कभी देखा है अपनी बहनों को यहां रुकते हुए ठहरते हुए? ना ना, क्योंकि शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, उसका मायका नहीं, मायका पराया हो जाता है। ये बात तेरी समझ में नहीं आती? तूने हर 15 दिन यहां आने का प्लान बना दिया। मायका पराया हो जाता है, मैं यहां आती हूं तो आपकी शांति खत्म हो जाती है। व्हाट आर यू टॉकिंग पापा? पापा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इतना कलेश हो जाएगा, पल्लू को इतना बुरा लगेगा। मैं कल ही आपका पैसे वापस ट्रांसफर कर दूंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं होता मुझसे। मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ता हूं, तुझसे, तेरे पति से, इन सबको। ये मेहमान नवाजी करना मुझसे नहीं हो रहा। अरे तीन तीन बेटियों को पाला है, शादी करवा दी मैंने, अब बस मुझे अकेले जीने दो, मुझे सुकून की जिंदगी काटने दो। जितनी जिंदगी बची है ना, बस आराम की जिंदगी काटना चाहता हूं। बच्चे, आप प्लीज हाथ वाथ मत जोड़िए, आप ही के घर है। आकाश, तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है। बिना वजह मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा और फिर लोग कहेंगे कि मैं अपने दामाद के साथ बदसलूकी से पेश आ रहा हूं। जयदेव जी, ये आपके और आपकी बेटी के बीच की बात है। मेरे बेटे पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? उसने क्या गलत किया है? ये भी तो आपके घर का दामाद है। एक दामाद के लिए पैसे और दूसरे पर गुस्सा निकाली, इसकी क्या गलती है इसमें? मैंने नहीं कहा है किसी को आने के लिए। आपका बेटा खुद मेरी बेटी के साथ यहाँ पर आया है। ले जाइए ना अपने बेटे को, अपने साथ घर पे बिठाइए। अपनी बेटी के साथ मैंने तुम्हारी शादी करवा दिया था। अपनी पत्नी को संभालो, अपनी गृहस्थी संभालो। बस पापा, और मत बोलना। मैं अपने हस्बैंड या अपनी सास या किसी भी ससुराल वाले के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। आप उनसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते तो फिर जाइए ना, दरवाजा खुला है, जाइए सबको लेके। राइट पापा, जा रही हूँ। आपको शायद अपनी बेटी की मान मर्यादा की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे अपने पति, अपने ससुराल के मान की बहुत फिक्र है। चलो आकाश, चलिए मम्मी जी, चलिए सब लोग। मैं कहीं जाने वाला हूं नहीं, तुम्हारे साथ ही रहूंगा यहीं पर। ये मेरी बच्ची है, मैं इसका बाप भी हूं और मां भी। पल्लू जा रही है। तुम्हें भी मुझे कुछ सीख देनी है? दो। तनु, इस वक्त पापा का मूड खराब है, कुछ मत करो। पापा, मैं थोड़ा रुक जाऊं यहाँ? अगर आप चाहें तो पापा जी।
जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। मुस्कुरा रहा हूं, देखो। राहुल को साथ ले जाओ, कल इसका स्कूल होगा, ले जाओ। दो, प्लीज। थैंक यू। ठीक है पापा, चलो तन्नू, पापा को आराम करने दो। पापा अपना ख्याल रखिएगा, चलो। ये तन्वी के बाप को अचानक हो क्या गया है? कोई घर आए दामाद और समधी को ऐसे भगाता है क्या? अरे वो पापा के पैसे, पापा उसे जो चाहे जैसे चाहे खर्च करे, कुछ भी करे, तेरा क्या है पल्लो? क्या गलत क्या कहा है इसने? पैसे मेरे, आंगन मेरा, घर मेरा, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। आकाश, तुम बीच में मत बोलो तो बेहतर होगा, बिना वजह मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा और फिर लोग कहेंगे कि मैं अपने दबाव के साथ बदसुलूकी से पेश आया। बोल दिया मैंने आज आस्था जी, बहुत कड़वा बोल दिया मैंने आज, इतनी ज्यादा कड़वाहट कि शायद ये कड़वाहट की टेस्ट मेरी जबान से कभी जाएगी नहीं। अपनी लाडली पल्लू को और उसके पति को पर्स के नाम पे इतना कुछ बोलना पड़ा मुझे, अब न मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई आस्था जी। अपर्णा जी से वादा किया था ना, निभा दिया मैंने, अब कुछ निभाने के लिए बचा ही नहीं बेटी। मुझे बुला लो। पल्लू बेटी, ये पापा को माफ कर दो, तू मेरी समझदार बेटी है ना, मुझे माफ कर दो, मुझे बस माफ कर दो। हेलो अपर्णा जी, मैंने अपना वादा निभा दिया, आकाश और पल्लवी को अपने ससुराल वापस भेज दिया मैंने, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया मैंने। बस अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, बहुत दिल तोड़ा है मैंने उसका, सारी जिंदगी मैंने उसे कभी इस तरह से बात नहीं की है अपर्णा जी, आज मेरी बच्ची पूरी तरह से टूट गई होगी और वक्त लगेगा उसे दोबारा खुद को जोड़ पाने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, उसका साथ जरूर दीजिएगा, अब उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपके घर में, अब बस मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, उसका ख्याल जरूर रखिएगा पन्ना जी। रिंकू बेटे बंद करो, अभी चाची को आराम करने दो, हाँ बाद में आना, चलो जाओ। जाने दीजिए भाभी, म्यूजिक ही तो चला रहा है, कोई तो खुश रहे।
हर 15 दिन तुम्हें यहाँ आना है। क्यों? इतना क्यों सता रहे हो तुम मुझे? तूने कभी देखा है अपनी बहनों को यहाँ रुकते हुए ठहरते हुए? क्योंकि शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। रिंकू बेटा, आप चाची के पास बाद में आ जाना। हम्म, अभी जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, बाहर का शोर इतना हार्मफुल नहीं होता जितना मन के अंदर का शोर होता है। यह इंसान को दोबारा उठने नहीं देता, खत्म कर देता है। आई नो बेटा, इस वक्त तुम हर्ट हो, पर बेटा मैं भी माँ हूं और मैं समझ सकती हूं कि जयदेव जी के लिए भी ये सब बोलना आसान नहीं रहा होगा। एक बार जयदेव जी के जूतों में पांव रख कर देखो, सोचो पल्लवी। बहुत मुश्किल होता है 3-3 बेटियों को संभालना। अनफॉर्चुनेटली उनको ये सब अकेले करना पड़ा। कोई भी इंसान थक जाएगा पल्लवी। एक नियम, एक कायदा होता है कि बेटी शादी के बाद अपने ससुराल जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि मायके से नाता तोड़ लो। अपने पापा की केयर तुम यहाँ रहकर भी तो कर सकती हो। जयदेव जी को भी तो यही लगा होगा ना, तीसरी बेटी की शादी कर दी, अब जिम्मेदारियां थोड़ी कम होंगी, वो भी अपनी गृहस्थी संभालेगी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। बेटा कोई तीज त्योहार हो, कोई बीमार हो तो बात अलग होती है, तब जाओ, और जाना भी चाहिए, किसने रोका है। अगर इतनी सी बात समझ लो तो तुम्हारे मन के भीतर का शोर कुछ कम होगा। लेकिन मम्मी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पापा अचानक इतना गुस्सा कैसे हो गए? आज तक जो कुछ भी हुआ, कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, वो मुझ पे या तनु थी, दीपू थी, किसी पे ऐसे नहीं चल रहा थे, कभी किसी से ऐसे बात नहीं की। लेकिन आज अचानक इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनाई, आप लोगों की इंसल्ट की, क्यों? इस चीज ने ना मुझे अंदर से हिला के रख दिया। एक बात कहूं पल्लवी, समझने की कोशिश करना बेटा, बुरा मत मानना। चली चलाई परंपराओं को जब बदला जाता है तो उसका अंजाम यही होता है। पल्लवी, शादी के बाद एक लड़की का घर उसके पति का ही घर होता है, यही परंपरा है जिसे बदलना नामुमकिन है। तुम्हारी बहनें भी तो अपने अपने ससुराल में रहती हैं ना, तो क्या वो तुम्हारे पापा से कम प्यार करती हैं, उनकी केयर नहीं करती? पल्लवी तुमने देखा ना आज क्या हो गया बेटा। मेरी बात मानो बेटा, इस बात को यही खत्म कर दो, ये 15-15 दिन वाली बात छोड़ दो, इससे कोई फायदा नहीं, कोई खुश नहीं है इससे पल्लवी। ये सब तुम अपने पापा का ख्याल रखने के लिए कर रही हो ना, पर वो भी इससे खुश नहीं है, तो किसके लिए कर रही हो पल्लवी? जयदेव जी को थोड़ा वक्त दो, अपने आप को उनसे अलग थोड़ा टाइम दो। बाप बेटी हो, एक खून हो, ऐसे टूटते नहीं है रिश्ते, थोड़ा टाइम लगेगा। अपने गुस्से को शांत होने दो, उनके गुस्से को शांत होने दो, अपनी गृहस्थी संभालो बेटा। आकाश को देखो, कितना प्यार करता है आकाश तुमसे, और तुम भी तो करती हो ना उससे इतना प्यार, तो अपने इस नए रिश्ते को वक्त दो पल्लवी। मुझे पता है अभी ये बात तुम्हें इतनी समझ नहीं आई, टाइम लगेगा पर सब सेटल हो जाएगा।
कमाल है, एक तो अपने घर पे बुलाया और फिर बिना खिलाए सबको भेज दिया। हद होती है ना, मतलब मेरी तो भूख से जान निकले जा रही है। माँ जाने दीजिए ना, वैसे ही आज बहुत कुछ हो चुका है, प्लीज। तूने कभी देखा है अपनी बहनों को यहाँ रुकते हुए ठहरते हुए? क्योंकि शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। तूने हर 15 दिन यहाँ आने का प्लान बना दिया। तू यहाँ रहेगी ना, मुझे शांति नहीं मिलेगी। पता नहीं वहां कैसे होंगे दीपू दी पल्लू, और पल्लू तो कितनी स्ट्रेस में होगी। तन्वी पोहा मिलेगा कि नहीं, या उसमें भी 1 घंटा और लगेगा? जी मम्मी जी, बस 1 मिनट। क्या बेटा? It's coming. सॉरी मम्मी जी, लेट हो गया। दीपुती का कॉल ही नहीं लग रहा है। अनु रिलैक्स, सबको थोड़ा टाइम दो, वैसे आज इतना कुछ हो चुका है। देखो इट्स डिफिकल्ट ये सब चीजों से डील करना, जब सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद बात कर लेना। ठीक है, मैं फिर जानवी को चाय पोहा दे के आती हूँ। दीदी आप ना मुझे शागिर्द बना दीजिए, सच कह रही हूँ मैं आपसे। मतलब सांप को भी कूट डाला और आपकी लाठी भी चमचमा रही है। वहाँ मेरा 7:30 बजे का शो नंबर 1 पहुँच गया क्योंकि सास ने पलटवार किया, और यहाँ आपने 15-15 दिन का टेलीकास्ट ही बंद करवा दिया। भाई वाह। कुसुम अब ये सब छोड़ देते हैं, हार जीत इसकी टीम उसकी टीम, मुझे बस एक ही चीज चाहिए थी कि मेरा बेटा शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने घर यहाँ रहे। इसके अलावा ना मुझे किसी से कोई शिकायत है और ना ही कोई गुस्सा। मेरी बहू अपनी फैमिली पे फोकस करे, तभी मेरा बेटा आकाश खुश रहे, और आकाश खुश तो मैं खुश। हैं? मतलब ये शो बंद? कुसुम हर चीज टीवी शो नहीं होता, बस एक ही बात गलत थी कि मेरे बेटे की शादी ऐसे घर में हुई जहां सिर्फ लड़कियां थी। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं दूसरी गलती नहीं होने दे सकती थी कि मेरी बहू जिंदगी भर अपने मायके का ध्यान रखने में लगी रहे। बस मैंने उसका इंतजाम किया है, अब सब ठीक है, अब पल्लवी यही रहेगी। अब बार बार 15 दिन वहां जाने वाला ड्रामा खत्म। परेशान तो बहुत लग रही थी पल्लवी, और मैंने देखा उसे बाहर जाते हुए, मैंने पूछा भी कि कहाँ जा रही है, पर कुछ बोला ही नहीं उसने। बताइए, मुझे नहीं लगता दीदी कोई ड्रामा खत्म हो गया है, पक्का यकीन के साथ कह सकती हूँ ये अपने बाप से मिलने गई है। कुसुम मैंने कहा ना छोड़ दो अब ये बात, अपने बाप से लड़ी है वो लड़की अपने ससुराल की इज्जत के लिए, थोड़ा वक्त दो उसे, बहुत बड़ा कदम उठाया है, आसान नहीं होगा उसके लिए भी, उसे अकेला छोड़ दो, दिमाग शांत होगा तभी आकाश पर फोकस कर पाएगी। ये तो राकेश की शर्ट है, ये जानवी ने क्यों पहन रखी है? एक्चुअली कल रात रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, बेचारा राकेश सारी रात लगा रहा उसे ठीक करने में, इसी में ये शर्ट भी खराब हो गई। उस रात इनकी ऑफिस की पार्टी में ट्रूथ एंड डेयर का चैलेंज हुआ, जिसमें इनको बोला गया कि इनकी बीवी चाहे जितनी भी अच्छी हो लेकिन तुम्हारी शर्ट पे अगर लिपस्टिक का दाग देखेगी ना तो शक जरूर करेगी।
लड़की छोटी हो छोटी बन के रहो, जब देखो अपनी जबान चलाई जाती हो तुम। कब से समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी शादी होगी, अपने घर जा, अपने ससुराल जा, अपनी गृहस्थी संभाल, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे शांति चाहिए शांति, तू यहाँ रहेगी ना मुझे शांति नहीं मिलेगी। भगवान जी, पापा तो ऐसे नहीं है ना, वो ऐसा कभी नहीं करते हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब? कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं पापा? जब भी लो फील करते थे इस चर्च में आते थे, आज मैं लो फील कर रही हूँ, मैं भी जाके देखती हूँ, शायद मुझे मेरे जवाब मिल रहा है। ए प्रभु, मेरा मन हल्का ही नहीं हो रहा, इसलिए आपके सामने आया हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए प्रभु। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, उसका प्रायश्चित करना है। क्या पाप किया है माई सन? गॉड सबके लिए है, प्लीज कन्फेस। यस। पापा यहाँ? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.